ये वोट एलो रास्ता ने हमला मेटा को हमारे संग ये वोट एलो रास्ता ने हमला मेटा को हमारे संग लेकिन जीत हम लोग का निश्चिंत है। भगवान अब देखिए पब्लिक जितने वोटों से जीता है। कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 6 में तृणमूल प्रत्याशी सुमन सिंह के पब्लिक मीटिंग में कोलकाता के पूर्व मेयर फिराद हकीम उपस्थित हुए और सुमन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि सुमन सिंह जी मुझसे पॉलिटिक्स में सीनियर हैं, इसलिए मैं इन्हें सुमन दीदी कहता हूं और लोगों से अपील की कि सुमन सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजयी बनाएं ताकि वो इलाके के डेवलपमेंट का काम कर सके। आइए इस मौके पर सुनते हैं कि सुमन सिंह ने क्या कहा। नमस्कार दाम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम, अभी मैं हूँ कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ के जो सिटिंग काउंसलर थी सुमन सिंह, उनके साथ है अभी फिलहाल। यहाँ फराद हकीम आए थे, इनका पब्लिक मीटिंग अटेंड किया, उन्होंने कुछ बातें कही। आइए हम लोग बात करते हैं सुमन सिंह जी के। सुमन सिंह जी, आप बता रहे थे कि रेल पार में कोई भी आदमी यहाँ पे आना नहीं चाहता है, कोई आना नहीं चाहता है आपका, लेकिन यहाँ पे फिराद हकीम आए तो आपकी मोहब्बत में क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उत्तर कोलकाता में जब से मेयर हुए हैं हम लोग बहुत बार आए हैं और इतने बड़े मंत्री हैं फिर भी आए हैं। हम लोग से उनका हमेशा एक ऐसा रिलेशन रहा है कि लगता ही नहीं है कि वो मतलब हम लोग के तरह काउंसिलर के हिसाब से ही हम लोग से मिलते जुलते हैं। तो मेरे वार्ड में है इसलिए मैं अपने तरफ से उन्हें बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं तो डोर टू जो उस वक्त लोग आपका किस तरह से आपके सारे क्या बोल रहे हैं? देखिए हम तो आप अभी आप आए नहीं, हम अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि लोग जब मेरे हम जा लोगों के पास पहुंचे लोग कह रहे हैं आप मत आइए, आप जीत रही हैं, आप क्यों इतना मेहनत करिए। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हूँ और लोगों से मिलना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम हर गेट पे हर दरवाजे पे हम जा रहे हैं लोगों से मिलने। जैसा लोग बोल रहे हैं कि आप जीत रही हैं तो कितने वोटों से आप जीत रही हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि कितने वोट से जीते हैं, लेकिन जीत हम लोग का निश्चिंत है। भगवान अब देखिए पब्लिक जितने वोटों से जीता है। अगर आप जीत करके फिर से दोबारा आती हैं तो कौन सा ऐसा पहला काम होगा जो आप करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? हमारे वार्ड में 80% हम बस्ती में रहते हैं तो हमारा काम रोज का है। अच्छा। आज अगर हम करते हैं तो कल फिर उसकी जरूरत महसूस होने लगती है, तो इस वजह से हमेशा हम काम में रिन्यू रहते हैं, हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। नियम हमारा मानुषर का जाबो जाबो ये बोलबो जे आगे बार बीजेपी करे चाहे और काचे हो जाची भाई तुम हमारे की दोष वोट दाओ। हम यही हमारे जो कर्तव्यटा हमें पालन करछी, हमें लोगों एक एक दरजाए हमें गेछी, ए हमें शुरू थे जाए हमें 27 বছর काउंसिलर কিন্তু লোকের পাশে আমি সব সময় থাকি। এই যে ভোট এলো রাস্তায় নে আমরা মেটা কোনো আমার সঙ্গে শুয়ে গেছে, আমার যা মনে হচ্ছে ওরা মানুষের সঙ্গে যে আমার একটা ভালোবাসা আছে ওটা ওরা দেখে বুঝে গেছে আর মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছে আমার মনে হচ্ছে সেই জন্য ওরা আর একদম কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে। আমার সব সময় কাজে আমরা থাকি, কাজের মাধ্যমেই আমাদেরকে লোকের কাছে থাকতে হয়, কেন আমাদের এখানে 80% বস্তি। তো আজকে আমি যে কাজটা করি আবার কালকে রিনিউ করতেই হয়, তো আমি একটা কাজ বলে কিছু নেই, অনেক কাজ করে ফেলেছি, আমার অনেকটা 80% আমি কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু তাও আমার রোজ কাজ আছে, মানে আজকে আমি করলাম কালকে আবার একটা কাজ বেরিয়ে গেল, এটা কন্টিনিউ আমাকে করতে হয়। আমি যেই দিন জিতবো তার পরের দিন থেকে আবার ওই নিয়মে আমি চলে আসবো। সুমন জি আখরি প্রশ্ন, আপ আপনে ওয়ার্ড কে লোগো কো হামারে চ্যানেল কে মাধ্যম সে কা বলনা চাহেন? মে ইয়েই কাহুঙ্গি কি আপ লোগ জো ভি জাহাঁ ভি জেসে ভি হ্যায় সব হামে সুবহ সুবহ জাকে ভোট দেকে হামে ফির ভি জিতাইয়ে, আপনে সাথ রহনে কা মৌকা দিজিয়ে, আপনে সেবা করনে কা মৌকা দিজিয়ে। ধন্যবাদ, নমস্কার।